हाल काश्मीर फाइल्स मूवी ने लईने घणो क्रेज जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे राजकोटना काश्मीरी पंडित प्यारेलाले काश्मीरमां वितावेला दिवसोनी दर्दनाक हकीकत जणावी हती। तेमने जणाव्युं हतुं के तेमनो जन्म काश्मीरना बारामुल्लाना एक नाना गाममां थयो हतो। तेओ त्रण भाईओ अने बे बहेनो परिवार साथे काश्मीरमां रहेता हता। तेमनी साथे अन्य काश्मीरी पंडितो शीख सहित हिंदुओ पण रहेता हता। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના લગ્ન 14 ઓક્ટોબર 1989માં થયા। લગ્નના 3 મહિના થયા હતા ત્યારે જ કાશ્મીરમાં સ્થિતિ બેકાબુ બની હતી। ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ જો ફિલ્મ બની હૈ યે સચાઈ પે આધારિત હૈ જો કાશ્મીરી પંડિતો કે સાથ જો હમારે સાથ ગુઝરા હૈ યે ઉસી કી અકાસી કર રહી હૈ ઉસકા ઉસી કો દર્શાતી હૈ હમારે સાથ જો ભી જાતિયાં હુઈ હૈ इस फिल्म में आपने देखा होगा वही ये हकीकत है। सच्चाई पे मबनी है और सच्चाई के बगैर इस पे कुछ नहीं है। हमारे साथ हम तो साक्षी है इन चीज़ों के। हमारे साथ क्या हुआ ये तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बोल सकता है साधारण तय पे कि मतलब हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हमारा मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है कि हम बोलें उस उन इंसिडेंट को। जब मेरी बहन जब उसका कत्ल हुआ आरी पे चीरा गया जो बहन लैब असिस्टेंट थी गिरजा टिकू जो तनख्वाह लेने गई थी उसको साजिश के तौर पर उसको लिया गया वहाँ पर। अच्छा आप आ जाओ आप तनख्वाह ले लो और हम आपको फिर वापस छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादती हो गई और हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हुआ हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस फिल्म को कहा कि ये नरसंहार हुआ पंडितों के साथ। अब हम ये चाहते हैं कि ये इसका अजाला होना चाहिए। इसको मतलब हमारा जो इशू है हमारा कश्मीरी पंडितों का इशू है इसमें एक हमारी चाहत है कि एक कमीशन बन जाए कि जो उनको जो हमारे पे जुल्म कर रहे थे उनको जेल भिजवा दिया जाए और जो एट्रॉसिटीज़ हमारे साथ हो गई है जो जेनोसाइड हमारे साथ हो गया है वो एक्सेप्ट होना चाहिए। वो पार्लियामेंट में बिल आ जाए तो उसको एक्सेप्ट किया जाए फिर तो सारा ठीक हो जाएगा। फिल्म बहुत ही अच्छी है। फिल्म सिर्फ सच्चाई का 5% दिखाया गया है। फिल्म और भी बननी चाहिए। इस पर और पार्ट 2 बननी चाहिए। मुझे लगता है कि उससे ठीक हो जाएगा। सबको पता चलेगा। इसमें ये नहीं दिखाया गया है अभी कि कौन जिम्मेदार थे निकाला किसने कैसे निकले पंडितों के साथ क्या हुआ। सिर्फ नारे स्लोगन्स की ये नहीं है कि क्या साजिश थी इसके पीछे। मुझे लगता है कि ये 1980 से पहले ही स्टार्ट हो गया था जब मेरे मामा जी का कत्ल हो गया था टंगवारा पाइन में श्री हकीम श्री श्रीकंठ पंडिता का। तब से ये चल रहा था। 86 में अनंतनाग राइट्स हो गए थे ये चालू था। तब से ये चालू था और फिर मिलिटेंट्स को छोड़ना ऐसी हुकूमतें आई उनको छोड़ना उनको रिलीज़ करना फिर ज़्यादा ही उससे अफरा तफरी मच गई जम्मू कश्मीर में। વધુમાં તેઓએ દર્દનાક કહાની જણાવતા કહ્યું હતું કે અમને કાફિર કહી ધુત્કારતા તેમને મહિલાઓ જોતી હતી। અમને કહેતા હતા કે મુસ્લિમ બનો ભાગી જાઓ અથવા મરી જાઓ પણ કાશ્મીરને પંડિતોથી આઝાદી આપીશું। સૌથી વધુ 1990માં સ્થિતિ ખરાબ થઈ પરંતુ તેની શરૂઆત ખૂબ પહેલાંથી જ થઈ ગઈ હતી। તાજેતરમાં જ જે ફિલ્મ આવી છે ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ તેમાં જે મુખ્ય મહિલાને જાહેરમાં કાપી નખાય છે તે મારી પિતરાઈ બહેન છે। તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હકીકતમાં તેનું નામ ગિરજા ટીકુ ઉર્ફ બબલી હતું। તે કાશ્મીરમાં લેબ આસિસ્ટન્ટ હતી। 11 જૂન 1990માં કાશ્મીરના કુપવારા જિલ્લામાં તેના પર બળાત્કાર ગુજાર્યો અને પછી જાહેરમાં જ કાપી હત્યા કરી દીધી। લોગોં કો પતા ચલા કે ક્યા હુઆ હૈ કશ્મીરી પંડિતો કે સાથ આજ તક
पूरा सही पता नहीं था। हमें बोलते थे ये भगोड़े हैं, ये यहाँ से खुद चले गए। हम खुद नहीं चले गए, हमें भगाया गया वहाँ से। हमें वहाँ नारे देते थे, वहाँ बोलते थे रल्यू सल्यू या गल्यू। तो आप या तो हमारे साथ मिलो या मरो या फिर भाग जाओ। तो आप ही बताइए कि हम क्या करते। तो हम वहाँ से भाग गए क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों को मारा गया और मेरे हस्बैंड को आ गए थे गन लेकर। ये वहाँ किसी और को मारने के लिए इन्होंने खिड़की खोल तो गन चढ़ गया खिड़की पर। उनको बोला कि लाइटें वटे बंद कर दो और खिड़की बंद कर दो। मूवी तो सही, हम सल्यूट करना चाहते हैं उनको जिन्होंने ये बनाई। आजकल सब लोगों को पता चलता है कि क्या क्या हुआ है, सही क्या है। आज तक तो पता नहीं था, कोई मानता ही नहीं था। हम ये तो बोलते थे भगोड़े हैं, ये वहाँ से भाग गए हैं, छोड़कर खुद चले गए हैं। तो हम भी, मेरी तो नई नई शादी हुई, 3 महीने हो गए थे मेरी शादी को। मुझे पता ही नहीं है वहाँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 महीने के बाद ही हम भाग गए वहाँ से, रातों रात भागे एक कपड़े की जोड़ी में। अब आप खुद ही बता हमने कैसे फिर सर्वाइव किया, कैसे किया। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, तो कैसे हमने जिया उन टेंटों में। वो तो हम ही जाए, उन लोगों को क्या पता है। उनको अब पता चलता है कि हमने कैसे सर्वाइव किया है। छोटे छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे जो बेचारे, वो उनको वो फिर डिप्रेशन से वो सब कुछ भूल ही गए। वो खाली गार गार करते थे, गार 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 जाएंगे, गार जाएंगे, गार जाएंगे। आधे बुज़ुर्ग तो हमें उनका पता ही नहीं, वो गार गार करके कहीं से निकल गए। उनका वो रास्ता वो मिले भी नहीं। वो भी लोग हैं हमारे कश्मीरी पर, ऐसे हालात हो गए। सांपू ने खाया, सनस्ट्रोक से मर गए बच्चे बेचारे, ऐसे हालात हो गए। तो कोई पूछने नहीं आया आज तक, कोई पूछने नहीं आया आज तक। તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કાશ્મીરમાં એ લોકો પંડિતો સહિતના હિન્દુઓનું લિસ્ટ બનાવતા અને ક્રમ પ્રમાણે હત્યા કરતા હતા। તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મારું નામ પણ લિસ્ટમાં હતું, મને જે તે સમયે 23 ફેબ્રુઆરીના શિવરાત્રિને દિવસે મારવાના હતા, પરંતુ મને આગલી રાત્રે જ જાણ થઈ જતી અને પત્ની સાથે ત્યાંથી ભાગવામાં સફળ રહ્યો હતો। તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તાજેતરમાં જે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ, તેમાં 1% પણ ખોટું બતાવ્યું નથી। તમામ બાબતો, દ્રશ્યો, સ્ટોરી હકીકત દર્શાવે છે, પરંતુ ફિલ્મમાં જે બતાવ્યું છે એ માત્ર 5% જ છે। અમે ત્યાં જે નજરે જોયું છે, જે દિવસો પસાર કર્યા છે, તે જોઈ શકાય કે કહી શકાય તેવા નથી। તેઓએ વધુમાં કહ્યું હતું કે જાહેરમાં મહિલાઓના રેપ થતા કાપી નાખી હત્યા કરવામાં આવતી, બાળકોને પણ છોડતા નહીં, કેટલાકને આંખોએ ગોળી મારતા। આ બધું ખૂબ દર્દનાક હતું। આખરે સરકારે કલમ 370 અને 35A નાબૂદ કરી રાહત આપી છે। 2019 સુધી અમે જમ્મુમાં હતા, પુત્ર એન્જિનિયરિંગ કરવા રાજકોટ આવ્યો એટલે અમે રાજકોટ શિફ્ટ થયા।